जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खरबूजे का फालूदा। आपने बहुत सारे फालूदे खाए होंगे, बट आज ये आप बनाइए और खाइए। ये देखिए, मैंने ये फ्रेश खरबूजा लिया है, इसको अच्छे से धोकर अब इसको राउंड शेप में चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने चम्मच की सहायता से ऊपर का भाग निकाल दिया। इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अब इसमें का बीज है, अब बीज भी चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने ये इस तरीके से मैंने सारे बीज निकाल लिए। ये देखिए सारे बीज, आप इसे सुखा कर यूज कर सकते हैं। बीजों को मिठाई में भी डाल सकते हैं, केक में भी। अब मैंने इस तरीके से खरबूजे के पल्प सारे निकाल लिए हैं। इस तरीके से मैंने सारा निकाल लिया है ये पल्प। ये देखिए खरबूजे का आकार कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको मिक्सर जार में सारा ऐड करती हूँ पल। इसको पूरा सारा ऐड कर लेना है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने टेस्ट अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा तो मीठा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 1/2 कप बॉयल किया हुआ दूध डाली हूँ, दूध ठंडा है। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसको मैंने दरदरा कूट लिया था। अब इसको देखिए, ये खरबूजे का मिल्क शेक इस तरीके से मैंने कर लिया। ये देखिए, अब मैं ये खरबूजे में सारा मिल्क शेक ऐड करूंगी। ये देखिए खरबूजे का सारा। अब इसमें मैंने पका हुआ 1/2 कप केला और थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है पपीता कटा हुआ, 3 चम्मच अनार के दाने। अब इसमें मैंने थोड़े से कटे ग्रेप्स अंगूर डाले हैं, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें मैंने 4 आइस क्यूब डाला है, ऊपर से फ्रेश कटा नारियल और बारीक कटा हुआ काजू और बादाम मैंने कटा हुआ डाला 1 चम्मच, थोड़ा सा किशमिश, अब पिस्ता कटा हुआ 1 चम्मच। ये खरबूजे का फालूदा बिल्कुल तैयार है। ड्राई फ्रूट, इसमें फ्रूट सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप भी ये फालूदा रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।